हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और बच्चों, आज के सेशंस में हम लोग इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में बच्चों जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कि जो 30% डिलीटेड सिलेबस है इसमें से कुछ पोर्शंस को हटाया गया है। तो बच्चों, पहले तो उसकी बात कर लें। जो 30% डिलीटेड सिलेबस है बच्चों, वहां पर आपको इस बार फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यानी इस बार आपके कोर्स से उस 30% डिलीटेड सिलेबस में बच्चों फ्रस्टम वाला पोर्शन रखा गया है। यानी आपको सिर्फ वॉल्यूम बात करनी है, सरफेस एरिया को क्लियर करना है बच्चों, टीएसए पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। लेकिन स्फीयर का सिलेंडर है बच्चों, इसमें आपका कोन हो जाएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो जाएगा, लेकिन इस बार फ्रस्टम आपको नहीं रीड करना है। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की सबसे मेन चीज ये समझिए कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं उसका टॉपिक में 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। यानी कि 15 मार्क्स तक का लगभग इसमें 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 से 15 मार्क्स आपके मिल सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको अच्छे से पहले फॉर्मूले रीड करने हैं बच्चों। सिर्फ आपका कैलकुलेशन टेस्ट होता है बेसिकली। कुछ बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूले याद कर लीजिए और कैलकुलेशन की टेस्टिंग अगर आपने कर ली, मतलब अच्छे से रिवाइज कर लिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा हो गया, तो फिर यहां से आपको 10 से 15 मार्क्स श्योरली मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, जो कि क्यूबॉइड है। बच्चों, क्यूबॉइड भी हमारा एक 3D फिगर है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस 3D फिगर में लेंथ, विड्थ और हाइट बेसिकली 3 डायमेंशंस हैं, इसीलिए इसको हम 3D फिगर्स भी बोलते हैं। यहां पर अगर आप देखिए तो इसकी जो लेंथ है बेसिकली इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और विड्थ को मैंने बी से और हाइट को एस टेक किया। सो इसका जो वॉल्यूम क्रिएट होगा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर? जो फॉर्मूला है इसका बच्चों एल इंटू बी इंटू एच होगा। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखें तो इसकी यूनिट सबकी मीटर में होती है, तो यहां पर आपको वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही फॉर्म होगा। अगर बच्चों यहां पर लेंथ, विड्थ, हाइट आपको सेंटीमीटर में गिवन है, सो यू विद कैरी विद सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर के साथ जा सकते हैं बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि मीटर और सेंटीमीटर में मिक्सअप है तो आप यू हैव टू चेंज इन मीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सारी लेंथ को एक ही यूनिट में रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो कन्वर्जेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट हुआ है हमारा वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपली LBH है बच्चों। इसके बाद है TSA, यानी टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बच्चों, आपको पता है कि इसमें टोटल 6 सर्फेस क्रिएट होते हैं, टोटल 6 सरफेस हैं, और हमारे जो फ्रंट के अपोजिट सरफेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब 6 हमारे सरफेस और फ्रंट वाले सरफेस इक्वल, और हर एक सरफेस बच्चों इसमें रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस बनता है, 2 BH, LB से स्टार्ट कर दीजिए, L into B, फिर B into H, सो BH लिया और प्लस H into L। तो इस तरीके से आप इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको भी ध्यान रखिए बच्चों। नोट क्या करेंगे, अब आप इसको देखिए, ध्यान करिए, अगर आपको लर्न नहीं है तो इसको रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ फोर वॉल। बच्चों, एरिया ऑफ फोर वॉल जैसे क्यूबॉइडल अगर हम बॉक्स की बात करें, या किसी जैसे मान लीजिए रूम की बात करते हैं, रूम बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारे क्यूबॉइड का। देखिए, क्यूबॉइड में एरिया ऑफ फोर वॉल से बेसिक मतलब है कि रूफ और फ्लोर के एरिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। जैसे ये बॉक्स है, अगर हम इसमें टॉप के जो फेस है इसका एरिया और बच्चों जो बॉटम का फेस है इसके एरिया को नेग्लेक्ट कर दें, मींस इसको अपने एरिया में इंक्लूड ना करें। सो बच्चों, ये जो साइड वाले जो हमारे साइड्स के जो फेसेस दिख रहे हैं उन सबके एरिया का जो सम होगा, दैट इज एरिया ऑफ फोर वॉल। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रूम में एरिया ऑफ फ्लोर और रूफ दोनों के एरिया को इंक्लूड ना करें, तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचता है बच्चों वॉल्स का, वही एरिया अगर आप इंक्लूड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ फोर वॉल, जिसको हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल कहते हैं बच्चों। LSA से भी इसको नोट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA शॉर्ट में। आप इसको LSA से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ 2H L plus B, क्लियर? द फॉर्मूला ऑफ 2H L plus B, ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ फोर वॉल का। अब बच्चों जरा फाइनली आ जाए डायगोनल्स में। देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल्स यानी वो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे इस क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर पुट किया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो उसकी लेंथ क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए? तो बच्चों, वो लेंथ आप एल बी या एच नहीं ले सकते। एक्चुअल में वो सबसे जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो कॉर्नर से कॉर्नर तक की जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ है उसको कंसिडर करेंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। यानी अगर आप अपने रूम में है तो रूम के एक कॉर्नर से बच्चों दूसरे कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर तक की जितनी भी बेसिक सबसे हाईएस्ट लेंथ होगी उसी को ही डायगोनल आप कहते हो। So, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए, उसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायगोनल की इस फॉर्मूले के हेल्प से, जहां पर बच्चों एल आपको पता है लेंथ है, ये विड्थ है और ये हमारी हाइट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों जो हमारे क्यूबॉइड से रिलेटेड है। आपको इसको सबको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, वो है हमारा क्यूब। देखिए,
क्यूब के बाद बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हमारा क्यूबॉइड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बच्चों क्यूब है। क्यूब के बारे में आ जाए, क्यूब की सारी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। देखिए क्यूब थोड़ा सा डिफर होता है हमारे क्यूबॉइड से, बाकी कुछ ही चीजों में डिफर है, बाकी हर एक चीज बच्चों यहां पर भी 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, यहां पर भी बच्चों सिर्फ 8 कॉर्नर्स वैसे ही मिलेंगे जैसा उस 3D फिगर्स में था। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ के सारे फेसेस इक्वल होते हैं, हर एक साइड इक्वल होती है बच्चों, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट सब एक जैसी होगी क्योंकि ये क्यूब शेप का है। जैसा कि आपका एक डाइस एक अच्छा सा एग्जांपल है बच्चों, जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें डाइस यूज करते हैं, वो डाइस हमारे क्यूब का एक अच्छा एग्जांपल है। और इस क्यूब के वैसे ही सारे फेसेस होंगे लेकिन थोड़े से फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे बच्चों। जरा देखिए वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा उसको हम लोग साइड क्यूब कहते हैं, साइड क्यूब। और बच्चों यहां पर चाहे तो हमने साइड को अगर ए ले रखा है तो आप शॉर्ट में ए क्यूब भी उसको लिख सकते हैं। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ हमारा क्यूब। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाए बच्चों, टीएसए की बात कर ले। यहां पर जो टीएसए होता है वो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके 6 फेस होते हैं, हर एक फेस का बच्चों एरिया ए स्क्वायर होगा, क्योंकि हर एक फेस देखिए किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर का एरिया बच्चों कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। और ऐसे 6 फेसेस इंक्लूडेड होते हैं हमारे इस क्यूब में, यानी क्यूब हमारा पूरा 6 फेसेस से मिलकर बनता है, और हर एक फेस का एरिया बच्चों ए स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए, 6 ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर भी बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, LSA कहते हैं। सो लेटरल सरफेस एरिया, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। यहां पर भी बच्चों टॉप और बॉटम के जो फेसेस हैं उनके एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो एरिया ऑफ 4 वॉल बचती है उसी को इंक्लूड करिए, दिस इज कॉल्ड LSA और एरिया ऑफ 4 वॉल। और बच्चों लास्ट में है डायगोनल, वही सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ। तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला होता है a√3, सिंपली आपको यहां पर फॉर्मूला ध्यान रखना है, a√3 जो है वो लेंथ ऑफ डायगोनल्स है, इसकी हेल्प से आप लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्यूब की। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्यूब से रिलेटेड हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते बच्चों नेक्स्ट 3D फिगर की ओर, वो हमारा है सिलेंडर। देखिए अब हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स आ रहे हैं जिनसे बच्चों सबसे ज्यादा लगभग क्वेश्चन इन्हीं सारे शेप्स से पूछे जाते हैं, इन्हीं सारे शेप्स पे सारा बेसिक्स फोकस करना है आपको, बाकी उनको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहां से भी जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चों इन सारे शेप से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप है, और बच्चों सबसे अच्छा एग्जांपल सिलेंडर का आपके पास जो पेन है, सिंपल एग्जांपल है, पेन भी हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप होता है बच्चों। यहां पर देखिए एक कर्व सरफेस होता है, दो हमारे फ्लैट सरफेस होते हैं टॉप और बॉटम में, क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द हाइट, इसको हम लोग एस से नोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेडियस आर। ये हमारे सिलिंड्रिकल शेप की एक रेडियस आर हो गई, और बच्चों ये हमारा हो गया हाइट जिसको हमने H से डिनोट किया है। अब बच्चों यहां से जो इसका वॉल्यूम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम इज हाउ मच वॉल्यूम, क्या मतलब स्पेस जितना कवर अप करता है, जितना स्पेस कवर करता है हमारा सिलिंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट, उसको ही हम लोग कहते हैं उसका वॉल्यूम। ओके सो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां से याद रखिए, पाई आर स्क्वायर एच, सिंपली वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास वॉल्यूम के बाद है जो दूसरा मेन पार्ट है वो हमारा CSA का है। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए यहां पर कर्व सरफेस का मतलब है बच्चों कि हम इस टॉप और बॉटम वाले जो हमारे फ्लैट फेसेस हैं उनको अभी एरिया के फॉर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमारा बच्चों ये मार्कर है, अगर हम इसके टॉप और बॉटम फेस को ना कंसीडर करें, सिर्फ इस कर्व पोर्शन को, इस पोर्शन को वॉच करें, तो ये कर्व फेस है, और इसी कर्व फेस के एरिया को ही अगर हम इंक्लूड कर लें, उसी का एरिया फाइंड करें, तो एक्चुअल में उसे ही हम लोग कहते हैं CSA, या शॉर्ट में कहते हैं CSA बच्चों। वैसे ही कर्व सरफेस एरिया हो गया, और इसका फॉर्मूला यहां पर होता है 2πRh। This is the main formula, 2πRh, जो कि हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हमें निकालना है, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए CSA तो होगा ही कर्व सरफेस, साथ में हमारे ये जो दोनों फेसेस हैं फ्लैट वाले, ये दोनों फेसेस के एरिया भी इसके साथ में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि कर्व सरफेस प्लस ये A1 A2। और बच्चों जरा देखिए ध्यान से, ये तो सर्कुलर फेस है ना भाई, फेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी कुल मिला के सरफेस में जो आप निकालोगे एरिया वो फ्लैट और दोनों फ्लैट सरफेस के, तो वो पाई आर स्क्वायर से ही निकलेंगे। और ऐसे दो फेस इंक्लूड होंगे तो बच्चों उसमें 2πr² और ऐड कर दीजिए किसमें, अपने सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में, तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बच्चों समझिएगा ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया तो हमारे इस कर्व पोर्शन का ऑलरेडी पहले से ही था 2πrh, अगर हम इन दोनों फ्लैट सरफेस के एरिया और इंक्लूड कर दें तो बच्चों वो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्म कर लेगा। ओके तो यहां से जो फॉर्मेशन बनेगा वो बच्चों हो जाएगा 2πrh प्लस 2πrh के साथ साथ बच्चों 2πr² भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा,
और अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलीफाई करके, जैसे अगर हम यहां से 2 पाई r बचो कॉमन टेक कर ले, सो रिमेनिंग इज h प्लस, और यहां से h बचेगा, यहां से बचो आपको r मिल जाएगा, तो ये h प्लस r एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ये ज्यादा सॉल्व फॉर्म में है, इसको लर्न करना ज्यादा इजी है। और बच्चों बेसिक्स मैंने बताया कि आखिर किस तरीके से फॉर्मूला ये क्रिएट होगा TSA का। तो आई होप आप इस सारे फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उन सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने के बाद जब क्वेश्चन में कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो आप उनको अच्छे से अप्लाई करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट टर्म में आ जाए तो वो हमारा है हॉलो सिलेंडर का। देखिए अभी जो हम सिलेंडर जब भी हम लोग सिर्फ सिलेंडर बोल रहे हैं बच्चों, तो वहां पर वो सॉलिड शेप सही है, यानी वो सॉलिड सिलेंडर था। अब बच्चों जो शेप है हमारा वो कैसा है, हॉलो सिलेंडर का शेप है। जैसे आप किसी पाइप को देखिए बच्चों, पाइप एक अच्छा एग्जांपल होता है हॉलो सिलेंडर का, क्योंकि उसमें इंटरनल, देखिए फेस में इंटरनल बेस में बच्चों उसमें कोई भी मेटल कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता है, वो हॉलो होता है। तो एक अच्छा एग्जांपल है किसका बच्चों, हॉलो सिलेंडर का। ओके अब यहां पर देखिए कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हाइट, ये तो हाइट हो गई, जैसे पहले भी हमारे सिलेंडर में एच था, इसको भी एच कंसिडर करते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर जो रेडियस होती है वो एक सिंगल रेडियस नहीं होगी, आपको टू रेडियस डिफरेंट रेडियस फॉर्म होगी। देखिए एक होगी इंटरनल रेडियस बच्चों, अंदर तक की जो ये फेस आपको इंटरनल फेस दिख रहा है, यहां तक की रेडियस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। और बच्चों एक होती है आउटर रेडियस जो बाहर उस थिकनेस को इंक्लूड करने से, देखिए इंटरनल रेडियस में अगर हम इस वाली थिकनेस को और इंक्लूड कर दे बच्चों तो ये एक्सटर्नल रेडियस तक चला जाएगा, बाहर तक की रेडियस मिल जाएगी, एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो आई होप आप ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बेसिक्स को समझ पाए हैं। अगर हम लोग बच्चों इस इंटरनल रेडियस में इस थिकनेस को ऐड करते हैं सो वो हमारा एक्सटर्नल रेडियस फॉर्म कर लेता है, ये बाहर तक के सरफेस का एरिया आ जाता है। और बच्चों अगर थिकनेस इंक्लूड नहीं करते हैं तो सिर्फ वो इनर सरफेस का एरिया होता है, क्योंकि उसमें थिकनेस इंक्लूड नहीं होती। आई होप आप इस चीज को समझिए। किसी भी पाइप को आप अगर अच्छे से देखें, वॉच करें और उस हॉलो सिलेंडर के शेप में उसको इमेजिन करें, तो देखिए इमेजिन क्या करना है बच्चों, ऑलरेडी होता ही है। सो वहां पर आप देखिए उसमें जो मेटल की शीट है, उस मेटल शीट की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, एक सरफेस इंटरनल होता है, एक सरफेस एक्सटीरियर होता है, बाहर का होता है। सो बच्चों यहां पर सरफेस भी डबल हो जाते हैं, रेडियस भी डबल हो जाती है, इंटरनल रेडियस जो अंदर वाला फेस है, अंदर वाला गेज है वहां तक, और जब आप उसमें थिकनेस इंक्लूड कर देंगे तो आउटर रेडियस भी बन जाएगी। तो चलिए उसी चीज को यहां पर क्लियर करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम के साथ की आखिर वॉल्यूम का क्या बेसिक है बच्चों। वॉल्यूम का मतलब यहां पर आप ऐसे भी ले सकते हो, मेटल यूज्ड टू मेक दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए कितना मेटल यूज्ड हुआ है, यूज्ड मेटल का अगर फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो भी वही चलेगा। और बच्चों वॉल्यूम की बात होगी तो भी उसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर एच। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच और पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब बच्चों यहां से इस चीज को ध्यान रखिए, देखिए इस अगर हमने पूरा अगर ये ले लिया होता सिर्फ पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच लेते तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट वॉल्यूम होता, जबकि मिडिल वाले पोर्शन में आप ये देख के चल रहे हो कि मिडिल वाला पोर्शन पूरा हॉलो है, उस पूरे मिडिल वाले फेस में बच्चों कोई मेटल कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो तो हॉलो है पूरा ना। तो वहां पर उस इंटरनल वाले वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, पाई स्मॉल स्क्वायर एच की हेल्प से उसको उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो वही वॉल्यूम बचेगा जितना उस पूरे पाइप को फॉर्म करने में यूज हुआ है। ओके तो यहां से आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों इसमें से पाई एच आप कॉमन ले लीजिए। सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिस इज द मोस्ट सॉल्व फॉर्म में है, तो इस फॉर्मुले को आप अच्छे से रिवाइज करिए, जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के होलो सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहां पर सरफेस एरिया आ गया, देखिए सरफेस एरिया में आप देखिए यहां पर वैसे लगता है कि वॉल्यूम जैसे माइनस किया है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर जैसे वॉल्यूम में एक्सटर्नल इंटरनल माइनस किया है ऐसे सरफेस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल माइनस कर दीजिए सरफेस आ जाएगा। देखिए सरफेस एरिया का मतलब है अगर मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास बच्चों एक एग्जांपल है हमारे हॉलो का, उसमें भी देखिए दो फेस होते हैं, अगर मैं उसमें कहूं आपको पेंट करना है सो बच्चों पेंट करने के लिए आपको बाहर भी पेंट करना पड़ेगा एक सरफेस पर, बच्चों उतना ही पेंट अंदर वाले सरफेस पे भी लगाना पड़ेगा, यानी आपको डबल सरफेस में पेंट करना पड़ जाएगा। और यही बच्चों अगर पूरा हॉलो ना होके सॉलिड रॉड होता तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आउटर वाले सरफेस पे ही पेंट हो पाता, इंटरनल कहां से होता, वो तो सॉलिड है ना। तो बच्चों यहां पर होता क्या है कि लगता है कि हमें यहां पर भी सरफेस एरिया में सेम यही प्रोसेस करना चाहिए, लेकिन जस्ट रिवर्स होता है बच्चों, वहां पे प्लस हो जाते हैं क्योंकि सरफेस ऐड हो रहे हैं। सो एक तो सरफेस हुआ एक्सटर्नल 2π कैपिटल आर एच, और बच्चों एक सरफेस हुआ हमारा इंटरनल 2π स्मॉल आर एच, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों यहां से 2π और h कॉमन लेते हैं तो r + r ये फॉर्म कर जाता है, तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस, ये हमारा कर्व्ड सरफेस बनता है
हमारे हॉलो सिलेंडर का। और बच्चों रही बात इसके टीएसए की, तो देखिए टीएसए कैसे आएगा। बच्चों यहां तक आपने सीएसए क्लियर कर लिया, अगर हम इसी सीएसए में 2πHr+R इसी सीएसए में बच्चों क्या करते हैं, अगर देखिए दो रिंग क्रिएट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं फिगर को, यहां से हमारे दो रिंग बच्चों क्रिएट हो रहे हैं। देखिएगा ध्यान से भाई, सीएसए में तो हमने कर्व पोर्शन को यहां से इंक्लूड कर लिया, ठीक है, कर्व पोर्शन वाला फेसेस तो हमारे क्लियर हो गए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, इंटरनल वाला भी बच्चों और एक्सटर्नल वाला फेस भी, लेकिन ये वाले फेसेस तो अभी भी बचे हैं। अब हम इसमें पूरा सर्किल ले ले नहीं बच्चों, क्योंकि बीच में तो वही चीज है ना हॉलो, तो करना क्या होगा, रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। और बच्चों ऐसी कितनी रिंग, देखिए एक तरीके से एरिया ऑफ रिंग ही बना, आउटर वाले से इनर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, सो ये जो फेस बच रहा है, ये वाला जो आपका सरफेस बच रहा है, दिस इज द मेन सरफेस, यही वो सरफेस है जो इंक्लूड होगा टीएसए में। और ऐसे दो सरफेस इंक्लूड होंगे, एक टॉप पर एक बॉटम पर, तो बच्चों ऐसे टू सरफेस जब आप इंक्लूड करोगे तो आपने कुल मिलाकर टू रिंगों के एरिया एड कर देने, यानी 2πr² - r², दिस इज द एरिया ऑफ रिंग सिंपली, और दो है इसलिए मैंने टू लगाया, अदरवाइज πr² - r², ये रिंग का एरिया आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बच्चों अगर इतने लार्ज फॉर्म में हम फॉर्मूला रखें तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस भी कर ले, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे यहां से अगर हम बच्चों 2π और r+r कॉमन ले लेते हैं, r+r, सो द रिमेनिंग इज h ओनली और +r - r, तो इस तरीके से क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ज्यादा इजी हो जाएगा। लास्ट वाला जो फॉर्म है ये ज्यादा मोस्ट सॉल्व फॉर्म है, और यहां पर आप फॉर्मूला लर्न करना इजी इसलिए क्योंकि इसका आप 2πr+r h+r - r सिंपली इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, जिससे आप यहां पर, और अगर आप एप्लीकेशन सीख जाए, फॉर्मूला फॉर्मेशन करना सीख गए, तो वो सबसे अच्छी चीज है बच्चों। वहां पर तो फिर आप लर्न करें या ना करें, फिर भी आपको चीज बेसिक बनानी आ गई अगर फॉर्मूला इस तरीके से, तो सबसे ईजी हो गया। लेकिन खैर फिर भी मैं आपसे यही सजेशन करूंगा, क्योंकि बच्चों पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूला एक तरीके से क्रिएट करें बनाएं, इसलिए आप इजली एकदम फिंगर टिप्स पे सारे फॉर्मूले याद रखिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए बच्चों, अभी बहुत सारे और भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनके फॉर्मूले क्लियर करते हैं। देखिए एक एक करते, सबसे पहले कोन की बात कर ले बच्चों। कोन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट 3D फिगर है, जैसा कि आप यहाँ पर शेप इसका देख रहे हैं। कोन का जो शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर इसमें दो हाइट होती हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट हाइट होगी, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, दिस इज स्ट्रेट हाइट। और बच्चों यहां पर ये इसकी रेडियस हो गई, क्लियर, दिस इज कॉल्ड रेडियस r। और यहां पर एक बच्चों और चीज आपको ध्यान रखनी, वो है इसकी स्लैंट हाइट। बच्चों ये जो हाइट आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, क्योंकि ये स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में है, स्लैंटिंग है बच्चों, स्लोपिंग है थोड़ा सा, इसलिए इसको हम लोग स्लैंटिंग हाइट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों l से। क्लियर, तो ये h हो गया स्ट्रेट हाइट, जब हाइट कहा जाएगा तो बच्चों सिंपल समझिए हाइट h, ये हमारा l हो गया, ओके ये हमारा r हो गया। इस तरीके से ये सारी बेसिक्स पॉइंट हो गए। अब इसके फॉर्मुलेस को भी डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लें, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² h, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा 1/3πr² h से फाइंड आउट होगा। और यहां पर एक रिलेशन होता है एल एच और आर के बीच में, चलिए उसको भी डिस्कस कर ले बच्चों। जरा देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है सिंपली, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर हम एल की वैल्यू बच्चों निकालना चाहें, सो वी हैव टू टेक द अंडर रूट, सिंपली अंडर रूट टेक करना है, सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर कहीं पर बच्चों आपको सिर्फ एच और आर गिवन है, एल अननोन है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले L को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर आपको कहीं रिक्वायरमेंट होती है L की तो। और बच्चों आपको L की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, कभी भी आपको कोन का अगर क्या निकालना है बच्चों, कोन का सरफेस एरिया निकालना है, तो उस सिचुएशन में आप मान के चलिए कि आपको वहां पर L की जरूर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है। क्लियर, द फॉर्मूला ऑफ कोन इज सिंपली पाई आर एल। और बच्चों आ जाइए इसके टीएसए में, यहां पर ये सिर्फ पाई आर एल का कर्व्ड सरफेस है बच्चों, इसके बॉटम के फेस को नहीं लिया गया है। और जरा देखिए ध्यान से, इसका जो बॉटम वाला फेस है वो कैसा है, फ्लैट फेस है। और इस फ्लैट फेस में बच्चों एक सर्कुलर रिंग आपको दिख रहा है, सर्कुलर फेस दिख रहा है, तो बच्चों इस सर्किल का एरिया आपको और इंक्लूड करना है इस पाई आर एल में, सो आपको टोटल सर्फेस एरिया भी फॉर्म होगा, सो वी हैव टू एड इन पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लीजिए, अगर हम यहां से पाई आर कॉमन टेक कर लें, सो रिमेनिंग इज एल प्लस आर, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टीएसए ऑफ कोन। ओके तो ये तो हो गए टीएसए ऑफ कोन की बात। अब बच्चों चलो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करते हैं कोन के बाद, वो है हमारा स्फीयर। अब बच्चों स्फीयर पे आ गए, देखिए स्फीयर में और रिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिंग मतलब कि ये सर्कल में, सर्कल की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्फीयर के शेप में और बच्चों सर्कल के शेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में।
जैसे मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि सर्कल हमारा एक 2D फिगर का एग्जांपल है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम नहीं होता बच्चों, क्योंकि उसमें 2D फिगर है, मींस वो एक स्पेस क्रिएट नहीं करता। अब आप कैसे समझेंगे स्पेस क्रिएट नहीं करता, चलिए इसका एक सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि अपने एक हाथ में बैंगल पकड़िए, एक हाथ में बॉल, जितना डिफरेंस आपके बैंगल और बॉल में है बच्चों, उतना ही डिफरेंस हमारे एक सर्कल में और हमारे एक स्फीयर में होता है। तो स्फीयर एक 3D फिगर है बच्चों, एक पूरा शेप होता है उसका, एक सरफेस होता है, वो कंप्लीट एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। वॉल्यूम क्रिएट करने के साथ साथ बच्चों उसमें आप सरफेस देख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई सरफेस इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, चलिए अब इसके वॉल्यूम और बाकी सारे टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम स्फीयर को वॉच करें तो स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस होता है बच्चों। एक सरफेस से मतलब सिर्फ हमारा है कि एक कर्व सरफेस ही होता है, इसमें कोई दूसरा और सरफेस नहीं होता। सो अगर आप ध्यान दें कि इसमें फ्लैट सरफेस आपको नहीं दिखेंगे, पूरा होल सरफेस ही एक कंप्लीट सरफेस में होता है और वो कर्व सरफेस ही होता है। ओके, तो यहां से अगर वॉल्यूम की बात करें तो बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³। यहां से आप इसका वॉल्यूम 4/3πr³ सिंपली इसको नाम रखिएगा। और बात करेंगे जब इसके CSA की, यानी कर्व सरफेस की, तो बच्चों इसमें कर्व ही सरफेस तो है, दूसरा कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं। सो यहां पर इसका जो कर्व सरफेस अगर आप देखोगे तो वो फॉर्मूला 4πr² हो जाएगा। और बच्चों रही बात इसके TSA की, तो वहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारा जो स्फीयर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया और बच्चों उसका टोटल सरफेस एरिया में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बोथ आर एकदम सेम, बोथ आर एकदम अलाइक सेम, क्योंकि उसका रीजन समझिए, एक ही फेस है बच्चों, एक ही सरफेस है, वही कर्व सरफेस है, वही समझिए एक ही सरफेस है, उसको चाहे कर्व में रखिए चाहे टोटल में रखिए, बात एक ही है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे स्फीयर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों आपको ध्यान रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे स्फीयर से किए जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आपको इन फिगर्स को अच्छे से समझना है और बच्चों इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आ जाते हैं अपने लास्ट फिगर पे, लास्ट 3D फिगर पे, और यहां से हमारे सारे फॉर्मूले बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपके रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले कम से कम आपको ध्यान तो रखने ही रखने हैं, और साथ में जिन जिन फॉर्मूले की जरूरत पड़ती जाएगी हम लोग क्वेश्चन के बीच बीच में जैसी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे यूज करते जाएंगे, लेकिन इतने फॉर्मूले तो आपको कम से कम जरूर याद रखने ही पड़ेंगे। बच्चों अब आ जाते हैं हेमिस्फीयर में। देखिए हेमिस्फीयर कहिए या आप इसको हाफ स्फीयर कहिए, दोनों ही हमारे लिए सेम चीज है। तो बच्चों यहां पर हेमिस्फीयर के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए एक लेमन है और लेमन को मैं 20 से कट कर दूं तो जो हमारे पास फेस बचेगा है ना, जो भी शेप बचेगा एक्चुअल में वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारे हेमिस्फीयर का। अब हेमिस्फीयर में बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस नहीं होता। जब आप उसको 20 से कट करेंगे तो नीचे वाला फेस तो कर्व है जैसा कि आपको ये दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो फेस है बच्चों वो कैसा है, वो फ्लैट फेस है एकदम। देखिए ध्यान से, एकदम फ्लैट फेस है। सो बच्चों यहां पर CSA TSA अलग होने वाले हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कर्व सरफेस के साथ साथ एक फ्लैट फेस भी इंक्लूडेड है। ओके चलिए, तो यहां से ये तो हो गया हमारा कर्व पार्ट, और बच्चों ये वाला फेस हो गया हमारा फ्लैट वाला पोर्शन, फ्लैट पार्ट हो गया, और ये हमारी हो गई रेडियस। क्लियर, तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात कर लें। देखिए जरा टोटल जो वॉल्यूम था वो 4/3πr³ था, सो बच्चों ये हाफ हो गया तो सिंपली 2/3 हो जाएगा πr³। क्लियर, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया किसका बच्चों, वॉल्यूम का, किसके, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का, अगर हेमिस्फीयर है तो। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके CSA की, तो बच्चों टोटल CSA की, टोटल सरफेस एरिया पूरे अगर हम कंप्लीट स्फीयर का देखते हैं 4πr² था, अगर हाफ का करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज आगे ध्यान रखिएगा, जब TSA की बात होगी तो इस कर्व सरफेस के साथ साथ बच्चों ये कर्व सरफेस का एरिया सिर्फ हमारा कितना हुआ है, इस जो कर्व सरफेस है, इस हमारे कर्व सरफेस का एरिया ही बच्चों 2πr² हुआ है। हमारे पास एक फ्लैट सरफेस भी है, हमें उसके एरिया को भी इसमें इंक्लूड करना है, तो इस बार दोनों के एरिया सेम नहीं होंगे, यानी कि 1πr² इसमें और इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चों हमारा ये अच्छा सा एक पूरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। सो यहां से अगर हम इसमें 2πr² में क्या कर दें, एक सिंपली πr² और ऐड कर दें फ्लैट सरफेस का एरिया, सो ये बनेगा बच्चों 3πr², और यही हमारा बेसिक फॉर्मूला बनेगा हमारे TSA का। ओके, तो ये तो बात हो गई कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर्मूले की, जिसको आपको ध्यान रखना ही है। बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर सारे फुल चैप्टर, बहुत सारे बच्चों लिखा था सर क्वेरीज में सर फुल चैप्टर, तो फुल चैप्टर में बच्चों यही फुल चैप्टर है। देखिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, सारे क्वेश्चन तो 1 आवर में सारे फॉर्मूले के साथ सारे क्वेश्चन बच्चों तो मुश्किल है, क्योंकि बुक में काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए फिर भी आपको अगर फॉर्मूले सारे लर्न है, बेसिक्स अगर क्लियर है, कैलकुलेशंस करो बच्चों, आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट के साथ साथ फास्ट भी है, तो आप मान के चलिए ये 10 मार्क्स तो कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स तो श्योरली आएंगे इससे,
वो आपकी मार्कशीट में जरूर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आपको सिर्फ करना क्या है, कैलकुलेशन अच्छा रखना है, कैलकुलेशन के साथ साथ एक्यूरेसी रखनी है, स्पीड रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव रिवाइज ऑल द फॉर्मुला। ओके चलिए, तो इन सारे कॉम्बिनेशन का अगर आपके पास हो गया सो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है बच्चों, 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। चलिए आ जाते हैं बच्चों आपकी क्वेरीज में। बच्चों हमने क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैंने उन्हीं को ही क्वेश्चन एज रखा है क्योंकि आपके डाउट्स पहले लेना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए। बहुत सारे बच्चों के जो डिमांड थी बेसिक्स का, सर बता दीजिएगा मैंने सारे बेसिक्स फॉर्मुले बताए हैं, अब उन फॉर्मुले को यूज कैसे करते हैं वो भी आप अपने डाउट्स में ही सीख लीजिए, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। क्लियर, चलिए देखिए एक मैंने कहा था जैसे जैसे और फॉर्मुले यूज होते जाएंगे, मैं बता था पहले ही क्वेश्चन है, ए फॉर्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इन टू द सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। ओके चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा बच्चों, क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपको सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, जो कि 10 मीटर उसका डायमीटर है एंड 2 मीटर डीप। इफ वॉटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। पहली एक चीज इतनी आपको समझ में आ रही है भाई कि आपसे टाइम की डिमांड की जा रही है कि आखिर टाइम कितना लगेगा उस टैंक को फिल्ड होने में। चलिए मैं इसको थोड़े से फिगर के एक छोटा सा फिगर फॉर्म करते हैं जिससे पूरा विजुलाइज हो जाए क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि भाई आपके पास एक पाइप है सिंपली और एक टैंक भी है, क्लियर। तो सबसे पहले तो हम एक टैंक फॉर्म कर लेते हैं, क्लियर। इस टैंक में क्या है, लुक एट दिस, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम अ कैनाल इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक। कैनाल से एक पाइप को कैनाल है बच्चों यहां पर देखिए, मान लीजिए कुछ भी रिवर टाइप की, ठीक है ना, कैनाल है झील टाइप की, वहां से एक पाइप के थ्रू क्या किया गया बच्चों, एक ये पाइप है, इस पाइप से वॉटर जो है वो फ्लो हो रहा है आपके इस सिलिंड्रिकल टैंक में। ओके अब बेसिकली जरा यहां से मेन पॉइंट पे आ जाए, उस कैनाल के थ्रू एक पाइप से कनेक्ट करके बच्चों पानी को एक टैंक में फिल किया जा रहा है। ये टैंक जो है बच्चों, ये टैंक हमारा सिलिंड्रिकल है, और इस सिलिंड्रिकल टैंक की खासियत क्या है कि इसकी जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। जो आपका ये टैंक है इसका डायमीटर 10 है, तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। और जो इसकी हाइट है, द हाइट ऑफ द टैंक आई थिंक गिवन इज 2 मीटर डीप, सो दिस इज 2 मीटर, क्लियर। तो हाइट हो गई बच्चों 2 मीटर आपके इस पूरे सिलिंड्रिकल पाइप की जिसको फिल करना है, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, 5 मीटर, क्लियर हुआ। एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब बच्चों जो पाइप है, जिस पाइप के थ्रू ये पानी यहां पर जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये आपको जरूरत पड़ेगी। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को निकालने के लिए बच्चों इसका आपको डायमीटर दे रखा है। देखिए ध्यान से, द डायमीटर ऑफ पाइप, देखिए ध्यान से, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20, यानी इस पाइप का डायमीटर 20 है। सोचो इसका मतलब पाइप की रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ध्यान रखिएगा यहां पर यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस क्वेश्चन में, यूनिट बहुत सारी चेंज होती है। देखिए यहां सब कुछ मीटर में है, और यहां जो है वो आपको सेंटीमीटर में दिया है। अभी देखना कुछ और भी कंडीशंस है जहां थोड़े से और चेंजेस मिलेंगे। इफ द वॉटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अब देखिए ये जो पानी बच्चों इसके नीचे गिर रहा है, इस टैंक में फिल हो रहा है, तो इस वॉटर की जो स्पीड है, फ्लो की स्पीड, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब जरा देखिए एक और यूनिट आ गई, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सारी लगा दो भैया और भी जो बची हो तो सारी यूज कर डालो, ठीक है। तो आप सब ये पूछा जा रहा है कि बच्चों कितनी देर में पूरा टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि डिमांड है आपको टाइम की निकालने की। अब बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला देखिए यूज होता है, फॉर्मूला क्या है आपको, फॉर्मेशन फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, वी यानी वी इज इक्वल टू कंसीडर फॉर वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम बच्चों, ये भी क्वेश्चन है कि भाई वॉल्यूम तो किसका वॉल्यूम, उस टैंक का वॉल्यूम बच्चों जिस पर आप वाटर फिल कर रहे हो, यानी कि अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ वाटर तो भी बात सही, क्योंकि वो जितना टैंक का वॉल्यूम होगा एक्चुअल में उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, सेम वही चीज है। सो वी हो गया। अब ये जो फॉर्मूला बनता है वी इक्वल टू AST, अब इन सारे टर्म्स को जरा क्लियर करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखें, कहेंगे सर पहले तो नहीं बताया था मैंने आपसे, लेकिन एक चीज कही थी कि वो सारे जो मेन 3D फॉर्मूले हैं उसको लर्न कर लीजिए, साथ में जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे, मैंने कहा था आपसे कि जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं साथ में क्वेश्चन में क्लियर करता जाऊं। तो बच्चों एक फॉर्मूला है वी इक्वल टू AST, जहां पर वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ वॉटर ऑल्सो। ओके अब ये वॉटर जैसे जैसे कंटेनर का शेप आप बदलते जाओगे, वॉल्यूम का यहां पर फॉर्मूला भी चेंज होता है, इसलिए वी लिखा है सिर्फ। अब ये नहीं चेंज होगा बच्चों, ये AST दे रहा, देखिए ध्यान से, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, बच्चों उस पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से ये वाटर जो है, जिस पाइप के थ्रू वाटर हमारे टैंक में जा रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर लगेगा आपको, लेकिन अगर क्लियर हो जाएगा साथ में एक क्वेश्चन, तो फिर सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप
बहुत अच्छे आराम से कर भी लोगे। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन जरूर है बच्चों, अगर बेसिक क्लियर हो जाए तो ये कम से कम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा इस टाइप के। तो देखते रहिएगा, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, किसकी बच्चों, पाइप के, जिस पाइप के थ्रू वाटर इस टैंक के अंदर जा रहा है। क्लियर? अब जरा देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब क्या है बच्चों, पीछे पाइप कैसा भी हो ठीक, लेकिन जो उसका फ्रंट व्यू है वो कैसा होना चाहिए, जिस शेप में हो बच्चों, उस शेप को, जो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है उस व्यू को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पोर्शन के एरिया को बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग कहते हैं। तो आई होप आप इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एस। एस मतलब स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ, मतलब जिस स्पीड से पानी टैंक के अंदर जा रहा है उसकी स्पीड एस सिंपली, और टी है टाइम टेकन, सिंपल सी बात है कितनी देर में टैंक को फिल कर देगा। तो यहां पर वो सारी चीजें हैं, वो सारा मतलब ग्रेडियंट है जो एक अच्छा डिश बना सकता है। जो चलिए अच्छे से डिश क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं और बच्चों तैयार रहिएगा खाने के लिए फिर। तो यहां पर वॉल्यूम की बात करें पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि टैंक हमारा कैसा है, सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसकी जरा आर देखिए, फाइव है, सो मैंने रखी आर फाइव स्क्वायर और इंटू एच, और एच है 2 मीटर डीप, तो बच्चों 2 हो गया। ओके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ध्यान रखिएगा सर्कुलर है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर लगेगा, है ना, सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। आर को आप याद ध्यान रखिए, ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, एक ही यूनिट ज्यादा सही रहती है, तो मैंने भी इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में ही चेंज कर लिया क्योंकि वही ज्यादा सही होगा। एस यानी स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब जरा देखिए यहां पर स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आर। अब बच्चों किलोमीटर पर आर को अगर आपको चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे बदलते हो बच्चों, डायरेक्टली आपको पता होगा 5/18 कर देते हो बस, है ना, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हो, सीधे सीधे डायरेक्टली वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप भी यही करो, 3 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और बच्चों ये इसको आप चेंज कर लो किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ओके तो ये तो हुआ सारा फॉर्मेशन। अब बच्चों रहा कैलकुलेशन, चलिए भाई कैलकुलेशन भी देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग कैलकुलेशन को वॉच करें तो यहां पर कुछ ना कुछ कैंसिलेशन जरूर हो रहा है बच्चों, उनको कर लीजिए ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे ये पाई से पाई है ना, काम खत्म, पाई पाई में हो गई, हाथा पाई दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इसके बाद बच्चों जो हाथा पाई कंप्लीट हुई इनकी, तो ये 5 का स्क्वायर 25 बना, ये 2 हो गया, 5 का स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया बच्चों, यहां से 1/10 होगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, सो यहां से 1/100 कर देगा बच्चों, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब आप 3 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, चलिए मैंने इसको भी कैंसिल किया 6 टाइम, सिंपल। अब ये हुआ 5/6 और बच्चों ये हुआ हमारा टी, टाइम एज इट इज अभी है। जो भी और कैलकुलेशन बच्चों हम लोग कर सकते हैं उसको हम कर लेंगे। जरा देखिएगा भाई, जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 से मैंने डिवाइड कर देना है, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 से 2 टाइम 20 यानी 20 और 6 120 बच्चों वो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 120 इंटू 50 क्योंकि ये 25 इंटू 250 हो गया और ये बच्चों हुआ टी। अब जरा देखिए टाइम आपका आएगा किस चीज में, ध्यान रखिएगा टाइम चल रहा था मीटर पर सेकंड में, टाइम अच्छा चल रहा था मीटर पर सेकंड में, अब हमें इसे मीटर पर सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करना चाहें तो क्या करोगे आप भाई, सिंपली 60 से डिवाइड कर दोगे। चलिए 60 डिवाइड कर देते हैं, टाइम हमारा मिनट में आ जाएगा, सो वी हैव टू डिवाइडिंग बाय 60 और बच्चों ये हो गया 2 से नहीं 100 मिनट, आंसर आपका मिला 100 मिनट। और बच्चों हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा हो 1 आवर और 40 मिनट, तो ये भी बच्चों सही है। देखिए ध्यान से 1 आवर 40 मिनट ही तो टाइम हुआ, 100 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट, 60 मिनट आपके हो गए 1 आवर और प्लस 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट लगेगा पूरा का पूरा, कंप्लीट 1 आवर 40 मिनट्स टू फिलिंग दिस कंटेनर, है ना, इस टैंक को फिल करने में 1 आवर 40 मिनट लग जाएगा अगर इन सारी कंडीशंस के बेस पर अगर हम फिल करेंगे तो। तो बच्चों ये मोहित जी आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने यहां पे क्लियर किया है, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया होगा। फॉर्मुला ध्यान रखिएगा, V=ST सारे टर्म्स, V क्या था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, A क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ध्यान रखिएगा बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, उस पाइप जिससे वाटर फ्लो करके टैंक में जा रहा है। नेक्स्ट टर्म था SS, स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जिस स्पीड से पानी टैंक में गिर रहा है उसकी स्पीड। और फाइनली T क्या था बच्चों, टाइम टेकन टू फिल द कंटेनर, मतलब उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा था उस पाइप को, वो तो एक्चुअल में वो टाइम लगा 1 आवर 40 मिनट। और ये आपका समस्त मोहित जी, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया होगा। सारे बच्चे जो भी देख रहे होंगे बच्चों सभी ने क्लियर कर लिया होगा कि किस तरीके से कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो रही है। सो एक शुभम वर्मा जी ने क्वेश्चन किया है, चलिए आपका क्वेश्चन बच्चों ले लिया गया है तो अच्छी बात है शुभम जी, कि आपके क्वेश्चंस को भी यहां पर आज लिया गया। भाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो लिए जा सकते हैं बच्चों एक बार में। सो रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ 437 एंड 505 रिस्पेक्टिवली फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, बच्चों आपको ट्रैक की विड्थ फाइंड आउट करनी है। सिंपली देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है,
हमें लगता है कि क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस एरिया से कुछ हट गया है, है ना। चलिए फिर भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इस तरीके का रेस ट्रैक है, कुछ ऐसा आपने देखा रेस ट्रैक कुछ ऐसा होता है। ये हमारा रेस ट्रैक इस तरीके से फॉर्म हुआ जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आपको क्या दे रखी है, इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है और बच्चों एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस दे रखी है, और आपसे इस ट्रैक की विड्थ पूछी जा रही है, मतलब चौड़ाई। देखिए क्या होगी, अगर हम आउटर रेडियस तक की, क्योंकि दोनों सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, आउटर रेडियस को किससे शो करें, कैपिटल आर से, और इनर रेडियस को शो करें बच्चों स्मॉल आर से। तो एक तरीके से जो ये विड्थ बची, ये जितनी जो विड्थ बचेगी ट्रैक की, अगर आप ध्यान दो पूरे कैपिटल आर से जब आप स्मॉल आर को माइनस कर दोगे, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे बच्चों, वही विड्थ ऑफ ट्रैक होगी। पूरे में से इतना हटा दीजिए बच्चों, यही तो विड्थ बचा सिर्फ, बात समझ गए ना। तो ये आपको कुल मिलाकर निकालना क्या है, आर माइनस आर। पहले तो वो चीज समझ लो कि क्या निकालना है, क्या वैल्यू फाइंड करनी। तो वी हैव टू फाइंडिंग आर माइनस आर, सिंपली हमें आर माइनस आर की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों चलिए कैसे निकलेगा देखते हैं। यहां से आर माइनस आर निकालने के लिए करते क्या है, हम लोग आउटर सर्कमफ्रेंस, मैंने उसको कहा 2 से C2 जिसकी लेंथ है ग्रेटर वाली 505, और बच्चों एक हमारे पास क्या होगी, इनर सर्कमफ्रेंस होगी C1 जिसको मैंने कह दिया, मान लीजिए वो हो गया 437, क्लियर। और हम इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, मतलब C2 माइनस C1 कर दें, यानी कि 505 माइनस 437। भाई ये 4 कैसे बनता है, हाँ 4 ऐसे बनता बच्चा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो ये हो गया हमारा 4, तिरछा ही बन गया 437 ये आ गया, और जब 505 से माइनस करेंगे तो यहाँ आपको सिंपली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ की बात कर लीजिए C2 माइनस C1, देखिए C2 क्या है, आउटर रिंग का आउटर वाला जो सर्कल है बच्चों उसका पेरीमीटर है, क्योंकि 505 उसी का पेरीमीटर दिया था। यहां पर रखिए जरा 2 पाई कैपिटल आर, ओके ये क्या है 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इनर सरफेस इनर वाले रिंग का जो है वो सर्कमफ्रेंस है। अब बच्चों यहां से जरा इसका माइनस भी करिए, तो आई थिंक 5 से माइनस यहां पर करेंगे 15, 1 कैरी हुआ, 15 माइनस 7 8 हुआ, और बच्चों यहां से इसके बाद नेक्स्ट 96 यानी 68 बच जाएगा, सिंपली 68 आपका यहां पर डिफरेंस आ गया। बच्चों यहां से 2 पाई आप कॉमन ले लो, देखिए 2 पाई जैसे ही कॉमन लिया क्या बचा, आर माइनस आर। जरा देखिए हमारी डिमांड क्या थी, आर माइनस आर ही वो विड्थ है जो हमें फाइंड करनी है ट्रैक की, ट्रैक की विड्थ बच्चों आर माइनस आर ही है, यानी आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आर माइनस आर की। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बच्चों 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों पाई को अपॉन में, सो आर माइनस आर इज इक्वल टू 34 अपॉन पाई। अब बच्चों सॉल्विंग के लिए तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, चलिए कर लीजिए जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। 34 अपॉन पाई, पाई मतलब बच्चों 22 अपॉन 7, 7 हमारा यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे 11, 2 से आप इसको करेंगे 17, और सिंपली बच्चों कितना कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं बच्चों उतना कर लीजिए। देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 749 4 कैरी हुआ, 7 4 11, और यहां से ये आ गया 11। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और बच्चों बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे ना, सो 11 1 0 10 और 110 और 9/11, बस इससे ज्यादा बच्चों सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक मीटर में सब कुछ वैल्यू दी गई थी, क्वेश्चन को मीटर सेंटीमीटर में कोई बच्चों ने दिया ही नहीं है, तो जो भी शायद अब ये विड्थ है तो बच्चों मीटर में ही होगी। आई होप शुभम जी आपके देखिए क्वेश्चन आपका मीटर में ही होगा, सो मैंने यहाँ पर मीटर ले लिया है, ओके। तो इस तरीके से आप बच्चों क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट को क्लियर किया, हमें निकालनी थी सिर्फ सिर्फ विड्थ किसकी, हमारे इस पूरे सर्कुलर रिंग की एक तरीके से, और विड्थ निकालने के लिए आपको आउटर सरफेस से इनर सर्कमफ्रेंस को सिंपली माइनस करना था, आर माइनस आर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी, ओके बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा एक और इंपॉर्टेंट सम, चलिए और बच्चों के क्वेरीज लेते हैं, उनके भी पॉइंट्स क्लियर करते हैं। देखिए ऋषभ यादव जी ने क्वेश्चन किया है कि एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है हुज साइड्स आर 15 एंड 20, ठीक है, और इसको मेड कर रहा गया है हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करके, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन्स ऑफ फॉर्म, ओके। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेते हैं इसकी कंडीशंस को, देखिएगा ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हमारे पास एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हुई दो साइड है, मतलब टू साइड है बच्चों ऐसी है जो राइट एंगल फॉर्म कर रही है, देखिए कुछ इस तरीके से, एक है 20 और एक है 15, क्लियर। कहेंगे सर इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया आपने, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ऐसे भी बना देता बच्चों, लेकिन फिर आपको जो फॉर्मेशन क्रिएट होता वो एकदम क्लियर नहीं हो पाता, तो उसको क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा ये टिल्टेड फिगर फॉर्म करना पड़ा है, जिससे आप जो कंडीशंस कही जा रही हैं उस कंडीशंस को अच्छे से क्लियर कर पाए। देखिए क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हुआ एक पूरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको एक पॉइंट से
पकड़ करके बच्चों ऐसे कर, मैं मान लो इसको यहां से कान से पकड़ता हूं और यहां से ऐसे करके इसको रिवॉल्व करके यूं घुमा देता हूं, तो देखिए कैसा शेप फॉर्म होगा बच्चों। जब आप इसको ऐसे रिवॉल्व करोगे बच्चों, ये 3D फिगर फॉर्म होने वाला है। देखिएगा, वॉच करिएगा, समझिएगा। अगर मैं इसको यूं ऐसे रिवॉल्व कर देता हूं अराउंड दिस ऐसे, तो कुछ इस तरीके का डबल कोन फॉर्म होगा, जिसकी बात हमारे ऋषभ जी कर रहे हैं। तो ऋषभ जी ने यही कहा है कि कुछ डबल कोन फॉर्म होगा, तो बच्चों कुछ ऐसा ही डबल कोन क्रिएट होने वाला है और आपको इसका सरफेस एरिया वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आप क्वेश्चन को क्लियर कर पाए कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों यहां पर जरा देखेंगे आप ध्यान से, तो यहां पर डबल कोन फॉर्म हो गया, एक अपर पोर्शन में और एक लोअर पोर्शन में, है ना। इनकी अपनी अपनी हाइट हो गई बच्चों, इसकी हाइट मान लीजिए h1 हो गई और इसकी हाइट हमारी ये यहां से यहां तक h2 हो गई। हाइट तो डिफरेंट है, लेकिन रेडियस का क्या बच्चों? रेडियस जरूर सेम हो जाएगी। देखिए रेडियस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है। सो इस सिचुएशन में रेडियस को तो आप r ही ले लो, बात समझ गए हमारी यहां कि रेडियस इसकी r हो जाएगी। चलिए बच्चों एक बेसिक चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं। ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। तो सारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटर्नली है, थोड़ा मतलब कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा लगती हैं, आप ध्यान रखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कुछ पॉइंट आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं बच्चों। ये कुछ उन्हीं टाइप का क्वेश्चन है ना। कहेंगे सर मैथ्स याद करने के लिए कह रहे हैं, बच्चों मैथ्स याद करने के लिए कह रहे हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, बस ये कह रहा हूं। सो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। सिंपली सारा बच्चा जानता है हाफ बेस इनटू हाइट, सारे बच्चे तो जानते ही होंगे, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हो गया। सो बेस मैंने एक को ले लिया, एक को हाइट ले लिया, क्योंकि बच्चों यही परपेंडिकुलर बनाती हुई लाइन है, तो आप ये बेस हाइट ले सकते हैं। चलिए 2 से इसको डिवाइड करिए, 10, और आंसर मिला 150। क्लियर? अभी मैं यूनिट डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा क्योंकि एरिया है, क्योंकि सारी लेंथ सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो यहां पर मैंने लिख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों एक चीज और, वो क्या है, फिर से हम इसे एरिया को निकाले। कहेंगे सर एक बार तो आ चुका, दोबारा क्यों निकाल रहे हैं? देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है बच्चों, हाइट कैसे आएगी नहीं तो। सो बच्चों यहां से अगर आप देखोगे तो इस ट्रायंगल को आप ऐसे भी ले सकते, जरा देखिए ये ऐसे गया था यूं, इस तरीके का फॉर्मेशन था इसका, कुछ ऐसे फिगर का फॉर्मेशन था, यहां 90 था। तो बच्चों अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि आर है, सो ये हो जाएगा पूरा बेस और ये हो जाएगी उसकी हाइट, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर जरा देखिएगा, ये कंप्लीट जो होगा एसी, ये उसका बेस हो जाएगा, और बच्चों ये जो आर बन रही है रेडियस एक्चुअल में, ये हमारी हो जाएगी एक तरीके से हाइट, तो निकलेगा इसी एबीसी का एरिया। ओके बच्चों, तो चलिए यहां से इस फॉर्म को अप्लाई करिए, इस कंडीशंस को अप्लाई करिए, देखिए क्या कंडीशंस मिलती हैं इसके बाद। सो आफ्टर दिस वी हैव टू 1/2 एंड दिस इज एसी और इनटू आर। अब बस प्रॉब्लम है एसी की, अगर एसी कहीं से आ जाए तो सारा वर्क हो जाएगा। एसी बहुत जरूरत है, चलिए आजकल वैसे भी एसी की बहुत जरूरत है। तो बच्चों इस एसी को आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। देखिए एसी को निकालना आपने के बहुत बड़ा वर्क नहीं बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल अपने पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने के लिए जाना जाता है, है ना। सो एसी का स्क्वायर बच्चों किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के। क्लियर? अब एसी की वैल्यू बच्चों अभी पता नहीं है, रहने दीजिए एसी स्क्वायर, और यहां से जरा इन दोनों की वैल्यू देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। 20 का हो गया, कितना हुआ? 20 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 400 और 15 का 225, और जब आप इसका सम करेंगे तो 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है सारे बच्चे जानते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 25, हर एक चीज हमारे सारे बच्चे जानते ही हैं। तो बच्चों एसी तो हो गया 25, तो ये हुआ 25/2 आर। आई होप आप इतना पॉइंट क्लियर कर पाए। अब बच्चों जो मेन चीज है इसको निकालने का, मेन मकसद क्या था वो देखिए। देखिए दोनों ही ट्रायंगल एरिया निकले एबीसी के, और अगर दोनों ही ट्रायंगल हमारे एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को, तो बच्चों दोनों इक्वल भी होंगे। सिंपल सी बात है, जब एक ही चीज का एरिया निकाल रहे हैं, एबीसी का ये भी एरिया दे रहा है, ये भी एबीसी ट्रायंगल का एरिया दे रहा है, सो इसका मतलब दोनों ही एक ही ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों श्योरली इक्वल ही होंगे, है ना, नो डाउट। तो चलिए कर देते हैं इक्वल, देखिए क्या मिलेगा। सो 150 इज इक्वल टू 25/2 आर, और 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों शायद 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी रेडियस तो आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई बच्चों, रेडियस आ गया, और जैसे ही रेडियस आ गया तो बच्चों आपके लिए समझिए वर्क हो गया इजी। कैसे भाई? आपको सरफेस एरिया निकालना था, है किसका सरफेस एरिया बच्चों? जो ये पूरा कंप्लीट डबल कोन फॉर्म हो रहा है इसका। कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया बच्चों दोनों के? भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास तरीका है भाई, पाई आर L1। अब मैंने देखिए दोनों के निकाल रहा हूं, मान लेता हूं इसका मैं L1 है तो इसकी कुछ अलग होगी। R मैंने क्या अलग क्यों नहीं ली? मैंने पहले ही कहा था कि दोनों कोनों के जो R बन रहे हैं वो बच्चों कॉमन है, सेम बेस पर बन रहा है। सो पाई आर L1 प्लस पाई आर
L2, ये इसका कंप्लीट सरफेस हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसके बाद फाइनल आंसर लेते हैं। सो पाई और आर तो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, सिंपली हो जाएगा L1 प्लस L2। अब जरा देखिएगा, पाई और आर की भी वैल्यू बच्चों आ गई कितनी, 12 ले लीजिए यहां पर 12, और L1 प्लस L2 जरा देखिए, ये एक तरीके से इसके लिए L1 हुआ, ये इसके लिए L2 हुआ, 20 और प्लस 15 करोगे सो यहां पर 35 मिल जाता है बच्चों, है ना। सो मैंने रख दिया 22/7 × 12 × 35, कर लीजिए फॉर्मेशन, कुछ कैलकुलेशन, कुछ यहां पर कटिंग और उसके बाद आंसर। सो 75 जा, और बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 से 22 को करेंगे तो चलिए मैं यहां पर फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 0 12 टू कैरी 1 और ये 13320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन फॉर्म। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत सारे बेसिक चीजें थी, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आपने ये ट्रिक नहीं ध्यान रखी कि आपने एरिया को एरिया के इक्वल करना है तो बच्चों रेडियस नहीं निकाल पाओगे आप, और रेडियस नहीं निकलेगी तो आगे कभी भी ये क्वेश्चन आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि रेडियस बीच में आप रोड़ा लटका देगा। हर चीज में रेडियस चाहिए, सीएसए निकालना है रेडियस चाहिए, वॉल्यूम निकालना है रेडियस चाहिए। अब जो भी निकालना चाहे सब निकाल, आपके पास हाइट है सबकी, आपके पास वॉल्यूम निकालने के लिए इजी सरफेस एरिया है सबके, इजली निकालिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल आएगा। सो ये तो बेसिक्स था ऋषभ जी आपके क्वेश्चंस को जो मैंने यहां पर क्लियर किया। चलते हैं नेक्स्ट वन में, उसकी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन शिखा जी ने पूछा है, और शायद ये भी क्वेश्चन कुछ उसी क्वेश्चन से बेस्ड है जो हम लोग ने क्लियर किया था शिखा जी। तो वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस बार भी पानी है जो किसी एक पर्टिकुलर रफ्तार के साथ कहां पर जा रहा है, किसी एक पाइप के थ्रू एक पॉन्ड में गिर रहा है। ओके चलिए, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइड पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड वाइड। 50 मीटर लॉन्ग एंड वाइड मतलब दोनों मिला के 50 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो शिखा जी पूरा क्लियर नहीं किया क्वेश्चन आपने। चलिए मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, पॉन्ड है तो शायद 50 मीटर लॉन्ग होगा, 50 मीटर वाइड होगा, मे बी ऐसा ही कुछ होगा, है ना, मैं मान लेता हूं शिखा जी आपके हिसाब से जो क्वेश्चन आपने दिया, देखो मैं उसी हिसाब से अपने कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से 50 मीटर लॉन्ग एंड वाइड, तो एंड 50 मीटर वाइड है ना। चलिए, इन वॉट टाइम विल द लेवल ऑफ वॉटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर वॉटर की हाइट 21 है, सेकेंड वॉटर जो पूरे पॉन्ड के अंदर होना चाहिए वो 21 सेंटीमीटर हाइट तक आ जाए, कितनी देर में इतना पॉन्ड जो है वो फिल हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा पॉन्ड, है ना, एक ऐसा 50, क्योंकि 50 वाइड ले रहे हैं, 50 हम लोग उसकी विड्थ भी ले रहे हैं, लेंथ भी ले रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। अब इसमें जो वॉटर की बच्चों हाइट चाहिए कंप्लीटली, जहां तक ये वॉटर इसमें फिल्ड हो उसकी हाइट इस पॉन्ड में चाहिए वो कितनी है। अब ये क्या बना, सो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया बच्चों, पॉन्ड कुछ ऐसा, चलिए यहां यहां तक की हाइट तक वाटर चाहिए, ठीक है ना, यहां यहां तक हाइट, जहां जहां तक की हाइट है 21 हाइट है जहां तक आपको पानी चाहिए, मैं यहां से हटाता हूं नहीं तो आपको भी कंफ्यूजन होगा बच्चों। आपको हाइट, जिस हाइट तक वाटर चाहिए वो है 21, चलिए ये मान के चलिए यहां तक आपको वाटर फिल चाहिए, ठीक है ना, इस हाइट तक। अब बच्चों ये 3D शेप में बाहर आप समझिएगा ध्यान से, तो एक तरीके से हाइट हो गई 21 सेंटीमीटर, अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला क्या सिखाया, जब भी इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन हो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, V=A×S×T। आई होप इसी फॉर्मूले का यहां पर भी इस्तेमाल होने वाला। मैंने कहा यहां पर क्या होता है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम शेप के हिसाब से बदलता जाएगा। यहां पर शेप बच्चों पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब क्यूबॉइड शेप है, लेंथ विड्थ और हाइट आपके सामने, वॉल्यूम यहां पर रख दीजिए, पहली बार पाई आर स्क्वायर रखा था क्योंकि ये वॉल्यूम है सिर्फ, जितना पानी कंटेन करेगा कंटेनर में उतना ही हमारा वाटर का वॉल्यूम होता है, और वाटर का वॉल्यूम बच्चों उस कंटेनर के हिसाब से बदलता जाता है। तो अगर कंटेनर का शेप बदलेगा आप यहां पर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अलग अलग करते जाइए। तो इस बार हमारा कंटेनर जो है वो पॉन्ड है क्योंकि पॉन्ड में वाटर फिल किया जा रहा है। सो पॉन्ड का जो आप वॉल्यूम निकालोगे वो लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट जो कि है 21/100। ओके चलिए ये तो ले लिया। अब नेक्स्ट आ जाइए यहां पर ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। चलिए पाइप को जरा वॉच करते हैं, जो पाइप का डायमीटर है बच्चों वो है 14 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से। तो पाई आर स्क्वायर देखिएगा, समझिएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया बच्चों आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 7 क्योंकि डायमीटर 14 है, तो बच्चों रेडियस 7 होगा, और अपॉन में 100 लेना कभी मत भूलिए क्योंकि यहां पर 100 जो है वो इसको रेडियस को कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, किसमें, मीटर में, क्योंकि सब कुछ बच्चों मीटर में ही चल रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, स्पीड ऑफ फ्लो 15 किलोमीटर आवर, क्या सिखाया बच्चों में आपको, सब कुछ सेम रखना है, तो मीटर पर सेकेंड करना क्या पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई और साथ में टाइम टी।
तो ये सारी चीजें बच्चों सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है, रखनी है, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड द आंसर। चलिए देखते हैं, जितना मैक्सिमम कैलकुलेशन हो जाए उतना ही बच्चों अच्छा है। तो यहां से अगर ये हम दो जीरो कैंसिल कर दें, ठीक है, ये हो गया बच्चों 25 जा और साथ में ये 21 है, तो यहां से तो कुछ कैलकुलेशन हमारा लूज हुआ। अब यहां पर आ जाते हैं 22/7, यहां पर 2 × 7 होगा क्योंकि स्क्वायर लगा, दो बार बच्चों 100 भी हो जाएगा, 1 × 2 क्लियर। और यहां से बच्चों 6 है, यहां पर ये 5 हो जाएगा, सिंपली 3 से 5 जा, 3 6 जा, 5 5 25, सो बच्चों 25 होगा अपॉन 6 होगा और साथ में टी होगा। अब जरा देखिए क्या कैलकुलेशंस पॉसिबल है बच्चों। देखिए सबसे पहला कैलकुलेशन की 25 से 25 तो सीधे कट शॉर्ट, काम खत्म। और यहां से एक बच्चों 7 का भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, कर दीजिए वो भी, एक 7 यहां से कैंसिलेशन पॉसिबल है 3 times बच्चों, वो भी कर दीजिए। जितना मैक्सिमम सॉल्व होता जाए उतना कर लीजिए जितना हो सकता है। और बच्चों जो फाइनल बचा 600, देखिए ये हो जाएगा 600 और इनटू 300, तो क्योंकि ये 100 इधर गया, सो 600 इनटू 300 और बच्चों अपॉन में आ गया 22, लुक एट दिस, इज इक्वल टू टी। तो इतने सेकंड आपका टाइम लग जाएगा, ओके, इतने सेकंड टाइम लगेगा शिखा जी इस क्वेश्चन में आपका, इस पूरे टैंक को फिल होने में। कहेंगे सर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए भाई, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 600 है बच्चों यहां, इसके बाद कितना है 300 है और अपॉन में है 22। अब यहां से इसके बाद ये टाइम की वैल्यू को अगर हम आर में निकालते हैं तो क्योंकि ये सेकंड में, तो फर्स्ट टाइम वी हैव टू डिवाइडिंग बाय 60 सिंपली। चलिए एक बार 60 डिवाइड करते हैं, 100 हो गया बच्चों, 100 नहीं 10 हो गया, 60 10 जा, और एक बार बच्चों और 60 से डिवाइड कर दे तो अपने आप ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिएगा बच्चों कितने आर बनते हैं, 10 से 10 65 जा, तो 50 by 22 आर, और अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे सो ये 25 by 11 आर। तो बच्चों इतने अब मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है, इससे ज्यादा मैक्सिमम सॉल्विंग पॉसिबल नहीं। आंसर यहां मैं लिख देता हूं 25/11 आवर, इतना टाइम लगेगा। चाहे तो बच्चों 20 चलिए कर ही लेता हूं, है ना, इतना किया है तो ये भी सही, इतना फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों पूरा सॉल्विंग करने के बाद। तो जगह जगह आंसर लिखे, जगह जगह बच्चों जहां जहां बोर्ड में जरूरत पड़ती है बस फिल कर डालो, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन की बच्चों इतनी डिमांड होती है। और आपको बच्चों ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना, देखिए आपके पास क्या होगी, आपके पास पूरी एक फ्री अच्छी सी कॉपी होगी बड़ी सी, मतलब जो आपको मिलेगी ऐसा बोर्ड से करने के लिए, तो आप अच्छे से फ्लो में एक लाइन से करते जाइएगा। और हमारे पास बच्चों एक ही पेज होता है, क्योंकि इस पेज को जैसे ही मैंने टच किया सारा सब कुछ वैनिश्ड हो जाएगा, तो हमें उस पेज को बनाए रखना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन देखते रहना पड़ता है, रिलेट करते रहना पड़ता है। बच्चों आपको पेज रहेगा, आप आराम से फ्लो में कैलकुलेशंस करिएगा विद रफ वर्क, रफ वर्क भी करना मत भूलिए, है ना, साइड में रफ वर्क करते रहिएगा जिससे बच्चों आपको लगे कि भाई आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है। ओके चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। सो सना जी ने एक क्वेश्चन किया है, कादरी जी ने, कि व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 cm इन डायमीटर मस्ट बी टेकन, सो रिकास्ट द पाइप ऑफ लेंथ 16 cm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 30 cm थिकनेस 2.5 mm। ये क्वेश्चन शायद इसी के साथ कनेक्ट हो गया है, एक क्वेश्चन तो हमें सीधा सीधा यहां तक दिख रहा है, फिर उसका वाटर इज अ कैनाल ऑफ 6 meters वाइड एंड 1.5 meters डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ, भैया कैनाल वाले क्वेश्चन तो बच्चे बहुत यार, मतलब सारा हर एक बच्चा कैनाल वाला क्वेश्चन जरूर कर रहा है। ये VST वाला क्वेश्चन है, साथ में इंक्लूडेड है, तो बच्चों यहां पर 2 questions इंक्लूड है, तो कादरी जी मैं आपका एक क्वेश्चन तो ले ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपने अभी तो देखा कितना सारा मैंने इसको सॉल्व किया, इसी बेसिक पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। मैं यहां पर एक आपका पहला वाला क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि वो डिफरेंट है थोड़ा सा, ये वाला वही सेम है जिसको अभी हम लोग करके आए, जितने सारे क्वेश्चन V = EST से किए बच्चों ये उसी पे बेस्ड है। ओके तो कादरी जी आपका मैं एक क्वेश्चन जरूर ले रहा हूं जो यहां पर यहां तक का शायद मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपका यहां तक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां तक है, ओके यहां से फिर आपने शायद दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ही इंक्लूड कर दिया, तो मे बी ये 2 questions शायद हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन पर बच्चों फोकस करिएगा, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है, इसको वॉच करिएगा, एक सॉलिड सिलेंडर बच्चों हमारे पास ऐसा है, देखिए यहां से इस सॉलिड सिलेंडर में जो इसकी डायमीटर है वो देखिए 2 है, तो रेडियस हो जाएगी 1, सिंपली रेडियस को 1 ले लेते हैं, हाइट कितनी होगी यही फाइंड करना है। ओके और इसी से बच्चों एक रिकास्ट किया गया है, एक और सिलिंड्रिकल होलो सिलिंड्रिकल वायर शायद ऐसा कुछ फॉर्म किया गया है, देखिए ध्यान से आगे पढ़ते हैं, इट मस्ट बी टेकन, कितनी लेंथ टेक की जाए, रिकास्ट इनटू द पाइप ऑफ द लेंथ 16 cm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 30 cm डायमीटर और है 30 cm 16 cm लेंथ है और उसकी थिकनेस है 2.5 mm। बच्चों क्वेश्चन आई होप आप समझ पाए, देखिए क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर नहीं समझ पाए तो मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए एक ये सॉलिड पाइप था,
ये सॉलिड हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन का एक पाइप था, मेटल था, जिसको पहले तो मेल्ट किया गया, इससे रिकास्ट किया गया एक हॉलो सिलेंडर। ओके बच्चों, कुछ कहानी ऐसी है कि कितना लेंथी होना चाहिए आपका ये सॉलिड सिलेंडर जिससे आप एक रिकास्ट कर सके हॉलो सिलेंडर जिसकी हाइट जो हो वो बच्चों हो 16 सेंटीमीटर। तो हाइट आप ले लीजिए 16 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर इसका कितना, यानी कैपिटल आर जो हो एक तरीके से 15 हो, क्योंकि डायमीटर 30 है ना, तो आप कैपिटल आर को ले लीजिए 15। तो ऐसा कुछ बच्चों चल रहा है। और जो इसकी थिकनेस है जरा वो भी वॉच करते चाहिए, वो 2.5 mm होनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि जो इसकी थिकनेस है 2.5 mm, जब बच्चों आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर, है ना, ये बन जाएगी 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस हो गई। तो इसी की हेल्प से बच्चों स्मॉल आर निकाल लीजिए। अभी देखिए अगर हम कैपिटल आर से थिकनेस को माइनस कर दें तो बच्चों क्या निकलेगा, स्मॉल आर निकल आता है। देखिए कैपिटल आर कितना है 15, इसमें से थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, स्मॉलर मिल जाएगा, आपको मिलेगा 14.75 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गई हमारी स्मॉलर। तो इस तरीके से स्मॉल आर भी हमारी क्लियर हो गई, मैं यहां लिख लेता हूं 14.75। ओके चलिए, तो इस तरीके से हमारे सारे बेसिक्स तो ये क्लियर हो गए कि आखिर चल क्या रहा था क्वेश्चन में। तो बच्चों हमें निकालना क्या था, बेसिकली हाइट। तो देखिए एक चीज को मेल्ट करके कादे जी दूसरी चीज फॉर्म की गई है, यानी एक सिलेंडर को मेल्ट किया गया उससे एक दूसरा होलो सिलेंडर फॉर्म किया गया, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा भाई। अब इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब एक चीज मेल्ट करके कोई दूसरी चीज रिकास्ट की जाएगी तो हमेशा वहां पर वॉल्यूम जो होंगे वो एकदम सेम होंगे, एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके तो यहां पर भी आप इसका वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम के इक्वल कर दीजिए। चलिए देखिए इसका वॉल्यूम क्या हुआ, यहां से तो ये सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम बच्चों जब आप लोगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और आर इसकी वन है और आर एच हमें फाइंड करनी है सिंपली। और थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, अब आप तो इसको समझ ही गए तो यहां से इसका कोई काम नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, उस वाले की जरूरत पड़ेगी। सो ये है हमारा कैसा सिलेंड्रिकल पोर्शन बच्चों, ये हमारा होलो सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम याद रखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 14.75 का स्क्वायर, और बच्चों साथ में एच भी है, वो भी मत भूलिए, वो है हमारी कितनी 16। तो कैंसिलेशन तो बड़े अच्छे से हो जाएगा, जैसे पाई से पाई सिंपली कट शॉर्ट, सिर्फ या वन का स्क्वायर क्या फर्क पड़ता है, वन होगा एच मिल जाएगा, सिर्फ एच ही निकालना था और वो इधर प्लेस्ड हो चुका है, सिर्फ इस कैलकुलेशन की बारी है। इसको आप कितने अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं बच्चों, इसी पर आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करेगा। देखिए अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले आइडेंटिटी से सॉल्व करना शुरू करें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी ले लें, सो 15 माइनस दिस, तो सीधे सीधे बचेगा 0.25, क्योंकि 15 से जब आप 14.75 माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा। बच्चों मैं यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूं ये ध्यान समझ लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। अब बच्चों जरा बात है a माइनस बी के बाद a प्लस बी की, सो a प्लस बी यानी 15 प्लस 14.75 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये टोटल बनेगा 29.75 और साथ में रहेगा बच्चों इसके 16, है ना, वो मल्टीप्लाई में जो h था। चलिए अब सॉल्विंग और देख लेते हैं, जितना मैक्सिमम सॉल्व कर ले बच्चों उतना ही अच्छा है। यहां से पॉइंट मूव करें अपॉन 100 पर 25 से कर दीजिए डिवाइड 4 times, 4 से बच्चों इसकी भी सामत आ गई, इसको भी 4 times कैंसिल कर देगा। और यहां से चलिए और कुछ सॉल्विंग करते हैं, यहां से पॉइंट मूव करिए और बच्चों यहां से भी इसको 100 ले लीजिए, 4 से इसको भी डिवाइड करिए बच्चों, ये 25 times। फाइनली अगर आपके पास जब कुछ एच में बच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 2975 डिवाइडेड बाय 25, और बच्चों इसको भी आप 25 से इजिली डिवाइड कर सकते हो। चलिए डिवाइड करिए देखिए क्या मिलेगा, 25 बन जा बच्चों, 25 बन जा, यहां भी करिए, जब आप इसको 25 बन जा डिवाइड करोगे तो 4 कैरी बचेगा, 47 बना देगा, 1 time और कर लीजिए, जब आप इसको 1 time करेंगे तो 47 था बच्चों, 15 हुआ 40 और 7 यानी 225 9 time, तो बच्चों यहां से h इज इक्वल टू 119 और शायद सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा था, तो 119 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए थी पहले वाले उस हमारे सॉलिड सिलेंडर की, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाता। ओके बच्चों तो ये तो था बेसिक्स, आई होप सना जी आपने क्वेश्चन समझा। और एक क्वेश्चन हमारा और चलिए ले लेते हैं मोहित जी का, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड स्फीयर मेटलिक ऑफ डायमीटर 28 मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, चलिए ईच ऑफ डायमीटर 14.3 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। तो मोहित जी का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं कंडीशंस क्या है, क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, देखिएगा ध्यान से।
सो क्वेश्चन ही कहता है कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। सो बच्चों ये तो हो गया हमारा एक सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर में आपको इसकी रेडियस दे रखी है, बच्चों डायमीटर दिया है, रेडियस आराम से इजी से निकल आएगा, 14 सेंटीमीटर हो गया। इस सिलेंडर इस स्फीयर है बच्चों, इस स्फीयर को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया, किसमें बच्चों, कोन्स में। देखिए कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से कोन फॉर्म कर लिया। आप कितने कोन बनेंगे, बस यही हमारा मेन वर्क है ना, बनाते जाइए सेम कितने बनेंगे यही फाइंड करना है। मतलब आप मान के चलिए कि एन कोन्स आपने फॉर्म कर लिए, यानी इसका वॉल्यूम किसका, हमारे इस स्फीयर का वॉल्यूम बच्चों, ये इन स्मॉलर एन एन जो छोटे छोटे स्मॉल कोन्स बन रहे हैं, इन सबके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिस चीज को मेल्ट कर रहे हैं उसका स्फीयर का वॉल्यूम, उससे जो भी आप रिकास्ट कर रहे हैं, जितनी भी चीजें बना रहे हैं, उन सबके वॉल्यूम के सम के इक्वल ही होता है। और बच्चों यहां पर हर एक कोन सेम शेप का है, तो एन आपके मान लीजिए बने हैं तो एन इंटू एक कोन का वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। चलिए अप्लाई करिए, देखिए क्या कंडीशन मिलेगी। सो यहां से इसका फॉर्मूला हो गया 4/3 πr³। आर कितनी है, 14 लगा दिया। अब बच्चों यहां पर आ जाए 1/3। सो यहां मैंने लिया 1/3। अब बच्चों 14 करने का रीजन समझिएगा, ये डायमीटर था तो सिंपल सी बात है, डायमीटर 28 है तो रेडियस हाफ हो गया, इसलिए 14 सेंटीमीटर ले लिया। अब इधर आ जाते हैं कोन में। सो कोन की कंडीशंस देखिए, 1/3 π, रेडियस क्या है कोन की, जरा वॉच करिए, यहां से रेडियस ऑफ कोन बच्चों डायमीटर है कितना, 14/3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ। तो 7/3 स्क्वायर, और बच्चों साथ में क्या होगा, इसकी हाइट, और हाइट है 3, और कितने कोन बनाए हैं बच्चों वो तो नहीं पता, ले लिया n, वही फाइंड करना है। ये n की वैल्यू कहीं से निकल आए तो सारा वर्क हो जाए। चलिए इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या पाई से पाई बचेगा, नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा क्यों, इक्वल के दोनों साइड है बच्चों, भिड़ जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 का भी वही हाल होगा, दोनों ही कैंसिल। अब बच्चों रहे बात 14 वगैरह की, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहां पर रहेगा बच्चों, 14 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, मैं मल्टीप्लाई करने वाला तो नहीं इसको, देखिए आप भी मत करिएगा, जितना जब कैंसिलेशन हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बच्चों, क्यों आप मल्टीप्लाई में पहले टाइम वेस्ट करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपली आप सीधे डिवाइड करिए और सीधे सीधे कैलकुलेशन करके अपनी वैल्यू फाइंड करिए। ओके बच्चों, चलिए देखिए कैसे सॉल्विंग होगी। सो अगर कुछ कैंसिलेशंस और हैं तो करते जाइए बच्चों, 3 से 3 का कैंसिलेशन है कर दीजिए, एक 3 कैंसिल आउट बच्चों, 7 से 2 टाइम्स सिंपली कट शॉर्ट, 7 से 2 टाइम्स ये भी कट हो गया। अब बच्चों कुछ बचा ही नहीं है डिवाइड होने के लिए, तो बस काम खत्म कैंसिलेशंस का, सिर्फ अब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 हुए ये, 14 बचा बच्चों एक ये, और जब ये 3 यहां से डिवाइड में उड़ के यहां पर आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बच्चों ये बचेंगे n, बस आप इन सबको करिए मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर। सो 42 ठीक है ना, सो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 मिल जाएगा इंटू 16 अभी भी है बच्चों, एन है हमारे पास, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 16 2 = 3 कैरी हुआ, और 64 और 3 67। सो फाइनली आपने ये पता लगा लिया कि कितने ऐसे स्मॉल कोन्स फॉर्म होंगे बच्चों, जो इस पूरे कंडीशंस में आपके फिट बैठेंगे भाई, इन सारी कंडीशंस को क्लियर करेंगे। तो आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली समझा और क्लियर किया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बच्चों क्वेरीज वाला हमारा टर्म्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं क्वेरीज वाले टर्म्स को लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे क्वेरीज वाले आ जाए। बच्चों अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप इसी तरीके से अपनी क्वेरीज हम लोग को सेंड करते रहा करिए। बच्चों आपको पता है क्वेरीज कहाँ पर आनी है, आज आ नहीं रही है, लेकिन चलिए मैं एक बार बैक करता हूँ, अब आ गया। तो बच्चों आपको पता है ईमेल आईडी, सारे बच्चे जानते हैं लेकिन बस वो दिखाना रहता है, queries@katyanacademy.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है बच्चों। आप ऐप पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जैसे आज आपने सेंड की थी, इसी तरीके से अपनी क्वेश्चंस सेंड करते रहिए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस लिए जाएं। मे बी पर बच्चों कुछ रह जाते हैं किसी के आधे, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबके आ जाएं, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ बेस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहां तक पहुंच पाते हैं, तो बच्चों उसके लिए आप नाराज ना होएं, आपके डाउट नहीं रहेंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं बच्चों जिसमें उन सारे बच्चों की क्वेरीज भी साथ में रिलेटेड हो, है ना। तो आज का बच्चों क्लास यहीं तक, मैंने बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर पूरा फुल चैप्टर, सो मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों की मैं पूरा फुल चैप्टर नहीं तो जितना मैक्सिमम हो सकता है सारे फॉर्मूले सिखा दूं, सारे जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक रिलेटेड जो अप्लाई हो सकता था डिफरेंट कंडीशंस में, वो आपके क्लियर कर दूं। तो आई होप आपने पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा आज बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट क्लासेस आपको पता है स्टैटिक्स की है बच्चों, तैयारी करिए, उसके क्वेश्चंस क्वेरीज सेंड करिए हम तक, आपकी क्वेरीज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।